बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की रेसिपी है गोल्डन चिकन बारबेक्यू, जो हम एक प्रोग्राम में दोस्तों के साथ बना रहे हैं। सबसे पहले कोयले को जला लेते हैं, तब तक हम इसके लिए चिकन तैयार करेंगे, तब तक ये कोयला तैयार हो जाएगा। हमारे साथ प्रोग्राम में बच्ची भी मौजूद है। हम इस्तेमाल कर रहे हैं तकरीबन 6 किलो का चिकन। इसमें हम लीमू का रस मिक्स करेंगे, जो कि तकरीबन 4 बड़े लीमू हैं। हम शामिल कर रहे हैं लेमन का रस। हम मिक्स करेंगे इसमें मसाला, जो कि आम बाजार में तिक्का मसाला दस्तियाब होता है, हम वही इस्तेमाल करेंगे इसमें। किसी अच्छे ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, जीरा हथेली से मसलते हुए हमने इसमें ऐड किया। अब ये खुश्क धनिया शामिल हो रहा है इसमें। खुश्क धनिया के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे जायका, जितना आप पसंद करते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चम्मच से मिक्स नहीं हो रहा था, इसलिए हमने हाथ से मिक्स किया इसको। इसे मिक्स करने के बाद, माफ कीजिए गला थोड़ा सा खराब है इसलिए वॉइस में बार बार वो आ रही है। ये जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसको कुछ देर के लिए रख देंगे, फिर इसको सीख में पिरो लेंगे। चिकन को सीख में पिरोया जा रहा है। दोस्त मिल्क बांट कर काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। शाम का वक्त है, और साथ में कड़क चाय का भी बंदोबस्त हुआ है। कड़क चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है शाम में। हमारी जो है चिकन सीखों में पिरोया जा चुका है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाएं, ताकि आपको इसी तरह से अच्छी रेसिपीज और आउटिंग प्रोग्राम्स हम दिखा सकें। लीजिए, दूसरी तरफ कोयला भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। पर हम अब चिकन को रख देंगे।
तरतीब के साथ इसी तरह से आप रख सकते हैं एक के बाद दूसरा। विलेज प्रोग्राम है, कुछ दोस्त इकट्ठे हुए हैं, थोड़ी देर बाद हम साइड चेंज करेंगे चिकन का। जब चिकन बिल्कुल गल जाए, बिल्कुल गल चुका है चिकन, आप देख सकते हैं, अब हम दोबारा से साइड चेंज करेंगे इसका। और अब सिलसिला शुरू हो चुका है घी लगाने का। इसके ऊपर हम घी लगाएंगे ताकि ये खुश्क ना हो और बिल्कुल नरम मुलायम हो जाए। आप देख सकते हैं चम्मच की मदद से हम घी को शामिल कर रहे हैं चिकन पर। तरतीब वार एक एक सीख पर आप चिकन पर जो है ना घी लगा सकते हैं। घी लगाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, जल्दी नहीं लगाना, जब तक चिकन बिल्कुल गोल्डन हो जाए तब आपने घी लगाना है। ये घी लगाने का सिलसिला तकरीबन मुकम्मल हुआ चाहता है। और ये लीजिए हमारी बारबेक्यू बिल्कुल तैयार। हम सीखों से एक बर्तन में इसको निकालेंगे। आप चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं और रोटी की मदद से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि गर्म होता है हाथ जल जाते हैं इससे। हमारी बारबेक्यू बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाएं और अपने कमेंट्स से हमें आगाह करें। ये लीजिए हमारा चिकन बिल्कुल तैयार है। वीडियो देखने का शुक्रिया, हमें आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।